आज के लेक्चर में हम हाइको क्या होता है, हाइपो क्या होता है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो देखने के बाद आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आप आराम से मतलब डायग्नोस कर सकते हैं कि हाइपो केस में क्या होता है, हाइपो केस में क्या होता है। तो ये हाइपो जो हाइको होता है वो कहाँ पर होता है, हाई अल्टीट्यूड में होता है। हाई अल्टीट्यूड का मतलब होता है अधिक ऊंचाई, क्योंकि जब भी हम जमीन की हाइट मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं जमीन की, तो हम क्या करते हैं सी लेवल से मापते हैं, क्योंकि हमारा जो जमीन है वो क्या है ऊपर नीचे है, इसलिए क्या होता है हम सी लेवल से हम मेजरमेंट करते हैं। तो हाई अल्टीट्यूड का हाइट जो होता है कितना होता है, 12,000 फीट से लेके 18,000 फीट तक जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड। 18,000 फीट से जो अबव होती है, 18,000 से ऊपर जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम हाई अल्टीट्यूड बोलते हैं, और 7 से लेके 12,000 फीट तक क्या बोलते हैं हम इंटरमीडिएट अल्टीट्यूड बोलते हैं, और 7,000 से बिलो जो होता है उसको बोलते हैं हम लोअर अल्टीट्यूड। तो जो देखो हम जो अभी हम कहाँ पर है, सी लेवल पर है। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 mmHg जो होता है। तो इस एयर प्रेशर में हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं। 21% का मतलब क्या है, हम 100% ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो हेल्थी रहना है हमारे, तो हमें क्या है 100% ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं मतलब हाइट की तरफ जाते हैं, तब क्या होता है हमारा जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी क्या होगा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो क्योंकि हमारा जो अर्थ की वजह से क्या होता है एयर प्रेशर क्या होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या होता है अर्थ के लेवल पे क्या होता है एयर प्रेशर होता है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर के जाओगे तो क्या होगा एयर प्रेशर होगा डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल भी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो बॉडी है हमें कितना चाहिए, 100% ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे तो हमें 100% ऑक्सीजन दिखाएगा, लेकिन अब अगर हम हाई अल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन लेवल दिखाएगा कितना दिखाएगा, 88-90% 92% दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल क्या है कम है, वहाँ का एयर प्रेशर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी का जो डिमांड है कितना है, हमारे बॉडी अगर हेल्दी रहना है तो हमें 100% चाहिए, लेकिन जब हमारा बॉडी जब हाई अल्टीट्यूड में जाता है तब क्या होता है, तब हमारे बॉडी की डिमांड 100% है लेकिन वहाँ पे हमें 100% ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तब क्या होता है हमारा जो लंग क्या करता है, हमारा जो सेल डिमांड करता है कि हमें ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो हमारा लंग क्या ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारा लंग जो है बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग करेगा, ठीक है, मतलब रेस्पिरेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है, हमें तो हमारा जो सेल है वो 100% ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो हमारा सेल को बहुत कम मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लंग है वो क्या होगा ब्रीदिंग ज़्यादा करेगा, इसलिए हमारा जो हाइब्रिड में क्या होता है हमारा ब्रीदिंग बढ़ जाता है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। तो हमारा रेस्पिरेट बढ़ गया तो हमारा जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। ब्लड में जो आरबीसी होता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो अगर ऑक्सीजन पहुंचाना ब्लड के थ्रू पहुंचाना है तो हमें हार्ट को भी जल्दी ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो इससे हार्ट भी ज़्यादा काम करता है, मतलब ज़्यादा पंप करता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, हार्ट का भी काम क्या होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट का काम बढ़ गया तो ऑटोमेटिक किडनी का भी काम बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट जितना ज़्यादा मतलब आउटपुट करेगा उतना ज़्यादा किडनी को भी उस हिसाब से फिल्टर करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारा जो पूरा बॉडी है हमारा मतलब हाइपोक्सिया की वजह से पूरा बॉडी सिस्टम अफेक्टेड होता है, और ब्रेन भी हमारा ब्रेन जो होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन हमारा ब्रेन जो होता है ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है ये हाइको और हाइपो हो जाता है। तो देखो अगर हाइपो क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा होता है, अगर इसको हाइको भी बोलते हैं हेस भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप एडिमा का स्पेलिंग ओ से शुरू करोगे तो हाइको हो जाएगा, ई से शुरू करोगे तो हेस हो जाएगा। सेम हाइपो में भी सेम होता है, हाइपो और हेप होता है, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। तो हाई अल्टीट्यूड में क्या, देखो हमारा हाइको मतलब क्या होता है, हमारा जो उसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन ब्रेन होता है, मतलब ब्रेन क्या होता है स्वेलिंग हो जाता है, सेरेब्रल मतलब ब्रेन, तो क्या होता है ब्रेन स्वेलिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ फ्लूड लीक फ्रॉम कैपिलरीज इनटू द ब्रेन, जो ब्रेन के जो कैपिलरीज है वहाँ पे क्या होता है फ्लूड लीक होता है, क्योंकि क्या किस वजह से, बिकॉज हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है हमारा ब्रेन में जो होता है वैसो डायलेशन होता है, ब्लड वेसल क्या होता है डायलेट होता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ जाता है। कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ने की वजह से कैपिलरीज क्या होता है बिल्कुल छोटा होता है, उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कैपिलरीज जो होता है लीक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे ब्रेन में क्या होता है फ्लूड जमा हो जाता है, क्योंकि ब्रेन मतलब ब्लड भी एक टाइप का क्या है फ्लूड है, तो उसमें क्या होता है हमारे ब्रेन में क्या होता है फ्लूड जमा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लंग में क्या होता है, यहाँ पे भी जो अल्वोले जो होता है जिसमें कैपिलरीज होती है जो ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए काम करती है, तो अल्वोले में जो कैपिलरीज होती है उसमें भी क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है, बिकॉज ऑफ कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है हाइपोक्सिया की वजह से ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ पे वेसो डायलेशन हो रहा है, यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि हाइपोक्सिया में मतलब डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी होती है, तो यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन
वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हमारे कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज क्या होता है ब्रेक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है लीक हो जाता है और लंग में क्या होता है फ्लूड जमा हो जाता है। तो इसके अगर साइंस सिम्टम्स की बात करेगा, साइंस सिम्टम्स आप कंपेयर करोगे तो आप आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट को हाइपो या हाइपो है। तो हाइपो हाइपो दोनों एक साथ भी हो सकता है, ये भी चीज़ है, ठीक है। एज कम्पेयर टू मतलब हाइपो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, हाइपो बहुत कम होता है, ज़्यादातर हाइपो जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइपो के, ठीक है। तो इसका साइन एंड सिम्टम देखो, इसमें हेडेक हो जाता है, इसमें नोजिया वोमिटिंग होगा, अटैक्सिया होता है, अटैक्सिया मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब जो पेशेंट होगा कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। तो इसमें अटैक्सिया में हम पेशेंट का टेस्ट करते हैं, तो इसमें हम पता चलता है पेशेंट का अटैक्सिया मतलब प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो हमें क्या करते हैं, पेशेंट को एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, जमीन के ऊपर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, उसको स्ट्रेट चलने के लिए बोलते हैं। जैसे आप देखा होगा रस्सी पे लोग चलते हैं बिल्कुल, मतलब एक पैर होने के बाद दूसरा पैर ऐसे पास पास में, वैसे उसको एक स्ट्रेट लाइन खींच के उसके ऊपर चलाना है उसको, मतलब पेशेंट का कोऑर्डिनेशन कितना वो चेक करना है। और उसके बाद उसको ये भी टेस्ट करते हैं कि जैसे हमारा जो उंगली है, उंगली को ऐसे सीधा करके हमारा नाक के टिप के ऊपर लगाने के लिए बोलते हैं उसको वैसे, तो वो मतलब कितना कोऑर्डिनेशन से कर रहा है। तो अगर वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब पेशेंट को अटैक्सिया का साइन है, वो मतलब पेशेंट को हेस हो सकता है, हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद उसका अल्टरनेट मेंटल स्टेटस मतलब पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करते हैं उसमें हाइपो में। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को हम उसका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, आज का डेट डे कौन सा है, आज का डेट कौन सा है, मतलब इसका मेंटल स्टेटस हम चेक करते हैं। उसके बाद मंथ कौन सा है, उसके उसको जीके का क्वेश्चन पूछेंगे, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। उसके बाद उसको कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, 15 × 6 कितना हो गया, 90 − 15, 75 − 15, 60 − 15, वो दे रहा है नहीं दे रहा है, तो उसे हम चेक करते हैं इसमें। ये बताया कि हम क्या करते हैं, अल्टर उसका मेंटल स्टेटस चेक करते हैं। तो ये हाइपो का हो गया साइन एंड सिम्टम्स। अगर हाइपो की हम बात करें तो हाइपो में क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, टैकिपनिया होगा, टैकिपनिया मतलब इसका जो हाइपो में सेवर केस में क्या होगा, उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होगा 30 से भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद टैकीकार्डिया भी हो जाएगा, उसका जो इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा 120 पर मिनट से भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद चेस्ट पेन हो जाएगा, कफ हो जाएगा, स्टार्टिंग में ड्राई कफ होता है, उसके बाद उसमें स्पुटम आ जाता है, पिंक कलर का ऐसा कुछ स्पुटम आता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है ड्राई कफ आता है। उसका साइनोसिस हो जाएगा, साइनोसिस में क्या होता है, हमारा मतलब हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, हमारा जो नेल फिंगर होता है, लिप्स होता है, वो क्या होता है ब्लू कलर दिखाई देता है, नीला कलर दिखाई देता है। उसके बाद क्रैकल्स, क्रैकल्स मतलब अगर आप स्टेथोस्कोप से साउंड सुनेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लूड जमा हुआ है उसका क्या हमें साउंड सुनाई देगा। उसके बाद पेशेंट को फीवर भी हो सकता है हाइपो में। तो अगर आप हाइपो और हाइपो के अगर साइन सिम्टम्स का कंपेरिजन करोगे तो आप आराम से मतलब डायग्नोसिस कर सकते पेशेंट को हाइपो है या हाइपो है। और ये भी चीज़ है कि दोनों भी एक साथ भी हो सकता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट हम पेशेंट को डिसेंड करना है, मतलब पेशेंट को लोअर एटीट्यूड में क्या करना है, डाउन करना है, क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेन ट्रीटमेंट यही है, पेशेंट को क्या करना है, डाउन करना है, कम से कम 1000 से 1500 फीट तक हमें डाउन करना है, क्योंकि जहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटेड ऑक्सीजन पेशेंट को देना है, इसमें भी सेम एडमिनिस्ट्रेटेड ऑक्सीजन देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन देते हैं, इनिशियली 8 to 10 mg देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं 4 mg 6 hourly देते हैं। तो डेक्सामेथासोन जो होता है वो क्या होता है, स्टेरॉयड में आता है, स्टेरॉयड होता है, तो क्या करता है वो इंफ्लामेशन को कम करता है, एडिमा को कम कर देता है, ठीक है, तो इसलिए हम डेक्सा यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, टैबलेट निफेडिपिन होता है इसमें, हाइपो में क्या करते हैं हम टैबलेट निफेडिपिन देते हैं 10 mg स्टार्टिंग में देते हैं, उसके बाद पेशेंट की कंडीशन देख के, पेशेंट कंडीशन के देख के उसके बाद रिपीट हम 15 मिनट के बाद देते हैं। तो जो भी मेडिसिन जो है हम डॉक्टर साहब के एडवाइस के थ्रू ही देना है। उसके बाद टैबलेट एसिटिलोडोहामाइड जो होता है 250 mg होता है, उसको डायमोक्स नाम से भी जानते हैं, तो ये डायमोक्स जो टैबलेट होता है उसको हम मतलब डेक्सा के साथ भी देते हैं 250 mg। तो ये जो डायमोक्स टैबलेट है वो जिसको सल्फा ड्रग से एलर्जी होती है उसको नहीं देते हैं, और प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं डायमोक्स टैबलेट। उसके बाद पेशेंट क्या करना है, यूज हाइपो बैग, तो जो हाइपोबैरिक चेंबर होता है उसको हाइपोबैग से ही जाना जाता है, मतलब हाइपोबैग ही बोलते हैं उसको ज़्यादातर, उसको क्या बोलते हैं हाइपोबैरिक चेंबर बोलते हैं। कि अगर पेशेंट को हम डाउन नहीं कर पाते, मतलब डाउन नहीं कर पाते, तो पेशेंट को 4 to 6 hours तक उसमें हाइपोबैरिक चेंबर में रखना है, मतलब हाइपोबैग में रखना है। अगर पेशेंट को सेम यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, अगर पेशेंट को हम डाउन नहीं कर पाते, अगर पेशेंट की कंडीशन देखे हम क्या करते हैं 4 to 6 hours तक पेशेंट को हाइपो बैग में रख देते हैं। तो जब भी हम हाइपो बैग में रखते हैं उस टाइम क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, तो हाइपो बैग में क्या एक्चुअली होता है, हाइपो बैग का मतलब होता है हाइपरबैरिक चैम्बर, मतलब जब हम हाइपर वो बैग में क्या होता है, एयर प्रेशर जो होता है मतलब सी लेवल पे जो एयर प्रेशर होता है वही एल्टीट्यूड का जो मतलब सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वही प्रेशर उसमें हाइपो बैग में होता है, ठीक है। तो
तो पेशेंट को क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड फील नहीं होता, मतलब उसको लोअर प्रेशर में हम डाल रहे हैं। तो हाइपोबैग एक बैग होता है, उसमें एक आदमी आराम से, मतलब एक आदमी की जगह होती है, उसमें आदमी को लिटाया जाता है हाइपोबैग में। उसका वहाँ पे क्या होता है, हाइपोबैग में एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो पेशेंट को क्या होता है हाई, मतलब पेशेंट को हाई एल्टीट्यूड में फील नहीं होता, मतलब वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन लेवल होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा हाइपोबैरिक चैम्बर में, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, जब भी हम हाइपोबैग में पेशेंट को डालते हैं, तब उसको पहले हम स्टूल पास करवाते हैं, यूरिन करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को पहले समझाना है कि जब भी हम हाइपोबैग में पेशेंट डालते हैं तो पेशेंट को समझाना है, क्योंकि पेशेंट को डर भी लग जाता है उसमें, क्योंकि उसमें स्पेस कम होता है, तो उसमें विंडोज़ वगैरह होता है हाइपोबैग को, तो हम विंडो से हम उसको मतलब पेशेंट को बताना है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको मतलब ठीक नहीं लग रहा है तो आप डाउन कर देना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ऐसे थम्स अप कर देना, तो उसको समझाना पहली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद उसको जब भी हम डालेंगे तो उसके साथ हम ऑक्सीजन सिलेंडर डालेंगे, स्पुटामंग डालेंगे, उसके बाद यूरिनल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को स्लीपिंग बैग डालेंगे, क्योंकि स्लीपिंग बैग जो ठंडी होती है तो स्लीपिंग बैग भी डालेंगे। उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर भी उसके फिंगर को लगाएंगे, तो हमें पल्स ऑक्सीमीटर से हम विंडो से चेक कर सकते हैं कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है। और पेशेंट को पहले साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, और पेशेंट को क्या करना है, उसके बाद पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को अंदर हाइपोबैग के अंदर डालना है, उसके बाद हमने क्या करना है, पंप से क्या करना है, हवा भरना है। तब उसके बाद पेशेंट को जब भी, अगर पेशेंट का अगर हाइपो होगा तो पेशेंट हो सकता है कि उसका मतलब मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, मतलब वो मतलब हो सकता है कि इतना कॉन्शियस नहीं है, तो उसके पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल वोमिटिंग भी करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अगर वोमिटिंग करता है तो चॉकिंग के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट इतना मतलब कॉन्शियस 100% कॉन्शियस नहीं है, इतना मतलब ठीक से, इतना मतलब अच्छे से कॉन्शियस नहीं है, हो सकता है पेशेंट चॉकिंग भी हो सकता है पेशेंट का। तो हमें क्या करना है, अगर पेशेंट वोमिटिंग करता है तो हो सकता है चॉकिंग के चांसेस है, तो हमें पेशेंट को इससे निकालना पड़ेगा हाइपोबैग से, उसका एयरवे क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम 46, अगर पेशेंट का कंडीशन देख के हम क्या करेंगे, हाइपोबैग में रखेंगे, अगर पेशेंट जरूर नहीं है 46 आवर्स से ज़्यादा भी रखेंगे पेशेंट कंडीशन देख के, और उस हिसाब से हम पेशेंट को जैसे मतलब हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, पेशेंट को अगर डाउन करना है तो उसमें गाड़ी वगैरह नहीं जाती है, उसके बाद अगर हेलीकॉप्टर मंगाना है तभी वेदर का प्रॉब्लम होता है, वेदर ठीक नहीं होता है, तो बहुत सारे चीज़ें होती है जहाँ पे हम पेशेंट को जल्दी जल्दी डाउन नहीं कर पाते, हमें डाउन करना है तो पैदल ही करते हैं या फिर क्लाइमेट वेदर देख के हम हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइपोबैग का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।